नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। पंजाब के लुधियाना में हुई लगभग 8.5 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस विंग को बड़ी सफलता मिली है। डाकू हसीना मनदीप कौर उर्फ मोना और उसके पति जसविंदर सिंह को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। 100 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का खुलासा करने का दावा किया है। आपको बता दें कि 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब लूट की मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। लुधियाना पुलिस कमिश्नर मनदीप संधू ने इसकी जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि 9 जून शुक्रवार को आधी रात के समय लुधियाना के राजगुरु नगर में एटीएम में कैश जमा करवाने वाली एजेंसी सीएमएस के कार्यालय में 8 से 10 की संख्या में लुटेरे पहुंचे थे। इन्होंने हथियारों के बल पर सेंटर पर तैनात रक्षा कर्मियों और बाकी स्टाफ को एक कमरे में बंद कर दिया और इनके मोबाइल भी तोड़ दिए थे। इसके बाद सीएमएस के कार्यालय में लगे सेंसर की तारें भी काट दी गई, जिसके बाद लुटेरे सीएमएस कार्यालय में रखे करीब 8.5 करोड़ कैश वैन में डालकर फरार हो गए। वहीं पुलिस को अगले दिन सीएमएस कार्यालय से चुराई गई कैश वैन लुधियाना के मुल्लापुर दाखा से बरामद हुई थी, लेकिन उस समय इस कैश वैन में कोई कैश नहीं था। घटना के बाद पुलिस ने जांच करते हुए 60 घंटे में डकैती की योजना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी थी। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि लुधियाना लूट का कनेक्शन बरनाला शहर से जुड़ा हुआ है। इस डकैती की मुख्य साजिशकर्ता बरनाला की मनदीप कौर है, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।